हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वुमन ब्लॉग पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे पंजाबी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी उसे कैसे बनाते हैं। पंजाबी चिकन बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। अब मैं इसमें 4 चम्मच दही डाल दूंगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब इसको मिक्स कर लूंगी। इसे ढककर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी। अब हम इसमें प्याज कट करके डाल देंगे, 4-5 लहसुन की कलियां डालेंगे, 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन का टुकड़ा और इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसको मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, हमारा पेस्ट रेडी है। हम अपने गर्मा गर्म ऑयल में ये सारे पेस्ट को डाल देंगे, इसको कुछ सेकेंड के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। इन सबको मिक्स करके हम लोग 5 मिनट भूनेंगे मसाले को। हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम अपना मेरीनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा भुना हो चुका है और अब हम इसमें 2 चम्मच टमाटर की भी डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और इसको अच्छे से 10 मिनट तक और भुनेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन भुना हो चुका है और अब मैं इसमें 1/2 कप इतना पानी ऐड करूँगी। इसको और 10-15 मिनट पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन रेडी है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे चिकन का फाइनल लुक। ये बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कैसी बनी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।